सो अवर नैक्सट टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हुण ब्लड दे विच तां गैसेस डिफ्यूजन दे राहीं, सॉल्यूबिलिटी दे राहीं, एंड थर्ड की सीगा पार्शियल प्रेशर, जिदे राहीं गैसेस ब्लड दे विच पहुँच गईयां। हुण ओह ब्लड दे विचों बाकी टिश्यूज तक किस तरह ट्रांसपोर्ट हुंदियां ने। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मेन ट्रांसपोर्टेशन गैसेस दी कौन करदा आ? ब्लड करदा आ, और चाहे वह ऑक्सीजन है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, बट सब तो ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन की करता है। 97% ऑक्सीजन दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सैल्स इन द ब्लड। ब्लड के जो रेड ब्लड सैल्स ने 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जी बाकी 3% रह गई दैट इज़ वो हमेशा डिजॉल्वड स्टेट के प्लाज्मा के राही चली जाती है। उस तरह पुत्र जी 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड भी रेड ब्लड सैल्स द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो जी 30% रह गई वो बाईकार्बोनेट की फॉर्म के। फिर जी 7% कार्बन डाइऑक्साइड रह गई दैट इज़ कैरिड इन डिजॉल्वड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। जिस तरह ऑक्सीजन डिजॉल्वड स्टेट के लैके जाया जाता है, उस तरह 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा लैके जाता, तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्लाज्मा लैके जाता है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज़ डन बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज रेड ब्लड सैल्स के एक पिगमेंट आ, पिगमेंट मीनस जो कलर दिता, दैट पिगमेंट नेम इज़ हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, दैट इज़ ऑफ रेड कलर। रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, रेड कलर का है पर की है, वो है कि आयरन, जिदे को आयरन कंटेनिंग पिगमेंट आ, दैट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सैल्स। जो सा रेड ब्लड सैल्स के पुत्र जी, ये हीमोग्लोबिन हैव हाई अफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। अफिनिटी मतलब हों अट्रैक्शन, हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करन दी, पर कंबाइन भी है रिवर्सीबल मैनर च करता। रिवर्सीबल मीनस ये नहीं कि मुड़ के कंबाइन करके छड़ना नहीं, तो उन्होंने वापस छड़ फ्री भी कर देता है। दैट इज़ फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन कंबाइन करता की बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मोलीक्यूल कैन कैरी किन्ने मैक्सीमम लै जाता ऑक्सीजन के मोलीक्यूल? 4 मोलीक्यूल्स। एक हीमोग्लोबिन का मोलीक्यूल अपने दाल 4 ऑक्सीजन मोलीक्यूल्स न ले जा सकता है। हुण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दे नाल जिहड़ी ऑक्सीजन की बाइंडिंग आ दैट इज़ डिपेंड अपॉन, वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा घाटा वाधा ये। नंबर 2 दे उत्ते पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस दे पार्शियल प्रेशर दे उत्ते, एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, कि बॉडी दे विच हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कितनी है। नंबर 3 ते टेंपरेचर ते, दीज 3 थिंग्स इंटरफेयर द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द ब्लड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड दा, उस तो बाद हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ते उस तो बाद टेंपरेचर, ये तिन्ने चीज़ा इफेक्ट करदियां ने ऑक्सीजन दा HV दे नाल कंबीनेशन। ए सिगमॉइड कर्व इज ऑबटेन्ड वैन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटड अगेंस्ट विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पुत्र जी लुक एट दिस, दे हैव शोन यू फिगर 17 पॉइंट दे विच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस साइड पर उन्होंने ऑक्सीजन का प्रेशर लिया, एक साइड पर उन्होंने परसेंटेज ली है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के नाल किन्नी को उहदे नाल कंबाइन हो सकता है। सैचुरेशन का मतलब ये हुंदा है कि मैक्सीमम कपैसिटी जिन्नी को हो ऑक्सीजन की आपदे नाल बाइंड कर सकता सी, इस तो अगे वो बाइंड नहीं करता, उन्हों असी सैचुरेटड बोलते हैं। हेयर सैचुरेशन पॉइंट कम, इतने सैचुरेशन आ गया कि एस एने पार्शियल प्रेशर के उत्ते आपदे नाल 100 मोलीक्यूल्स 100 मोलीक्यूल्स ही वो कंबाइन हो सकते हैं, जे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 90 या 90 के उत्ते 100 मोलीक्यूल्स ऑक्सीजन के कंबाइन हो सकते हैं, तो एक कर्व बनती है थोड़े को सिगमोइड शेप की। ठीक है, मैक्सीमम एने, इस तो ज़्यादा जिन्ना मर्जी प्रेशर बधाई जावो सैचुरेशन आ गई है, इस तो ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बदल नाल भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पैना कंबीनेशन के उत्ते। तो जिहड़ी कर्व ऑबटेन हुई है उन्हों असी कह दें डिसोशिएशन, ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व, दैट इज़ इन द शेप ऑफ सिगमॉइड।
दिस कर्व इज हाईली हेल्पफुल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो असी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो बाइंडिंग कपैसिटी ऑक्सीजन की विद हीमोग्लोबिन। हुण पुत्र जी जिहड़े एलवियोलाई ने, हुण ये बाइंड होकर तो चलिया गया एलवियोलाई के विचों, इतो लुक एट हेयर, इस एलवियोलाई के विचों आ जिहड़े थोड़े कोल रैड ब्लड सैल्स ने इन्हां नाल बाइंड होकर तो चलिया गया, बाइंड होकर टिशूज चलिया गया। तो टिशू तो जदों टिशू को जाऊगा तो हम टिशू को डिसोसीएशन होनी जरूरी आ, यदा वक् होना जरूरी आ, नहीं टिशू कितों ऑक्सीजन मिलनी आ। सो वी आर हेयर, किधर पहुँच गए आप? हाँ, इन द एलवियोलाई वेयर देयर इज पार्शियल प्रेशर हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का या लो कार्बन डाइऑक्साइड का या लैस हाइड्रोजन कंसनट्रेशन आ, घट टैंपरेचर आ, तो ये चीज़ा ये फेवरेबल ने ऑक्सीजन कंबाइन करने के लिए। हुण टिशू च कंडीशन उल्टी हो जानी आ, उत्थे ऑक्सीजन पहले पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घट आ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर उत्थे वध आ, तो उत्थे हाइड्रोजन कंसनट्रेशन भी वध आ, टैंपरेचर भी ज़्यादा आ, जबकि साढ़े को एलवियोलाई टैंपरेचर घट हों। हुण ये कंडीशन फेवरेबल ने उहदी डिसोसीएशन वास्ते, हुण जाके उत्थे ये कंडीशन होण करके उत्थों ऑक्सीजन ते हीमोग्लोबिन दा जिहड़ा आपस दे विच कंबीनेशन आ टुट जांदा आ, ऑक्सीजन टिश्यूज़ नूं दे दिंदा आ, ते उत्थों कार्बन डाइऑक्साइड लैके वापस आ जांदा आ। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटड ब्लड, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। 100 मिलीलीटर ब्लड पुत्र जी देख लो 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन नू थोड़े टिश्यूज तक छड़ के आंदा ट्रांसपोर्ट करता है।